और अब उत्तराखंड की खबरें विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर यानी कि कल कुमाऊं के दौरे पर आ रहे हैं और आप प्रधानमंत्री के दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम भी आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 8:30 बजे ज्योलिंग कांग पहुंचेंगे और फिर वहां पर आदि कैलाश के साथ पार्वती कुंड के दर्शन करेंगे। वहां मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:30 बजे गुंजी गांव पहुंचेंगे। यहां लोगों से मिलने वाले हैं, साथ ही सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अल्मोड़ा पहुंचने वाले हैं। दोपहर 12 बजे जागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां पर दर्शन और पूजन का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर के 2:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचने वाले हैं, जहां पर 4,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है और ठीक इसके बाद एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। तो ये प्रधानमंत्री का पूरा उत्तराखंड का दौरा है। प्रधानमंत्री कल यहां पर पहुंच रहे हैं और उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं और इस कार्यक्रम की अब पूरी रूपरेखा सामने आ गई है कि किस किस तरह से कहां कहां कितने बजे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 8:30 बजे ज्योलिंग कांग पहुंचेंगे और यहां पर आदि कैलाश के और पार्वती कुंड के दर्शन करेंगे और फिर वहां पर मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है, कोई कोर कसर ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश, जागेश्वर धाम और पिथौरागढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद इस इलाके में टूरिज्म की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। वहीं आज सीएम धामी गुंजी भी जाने वाले हैं और वहां पर प्रधानमंत्री के आने से पहले तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी पिथौरागढ़ के गुंजी गांव भी जाएंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए पिथौरागढ़ से हमारे साथ विजय वर्धन उप्रेती जुड़ गए हैं। विजय, लगातार आपसे बातचीत भी हो रही है और आप बता भी रहे हैं कि किस तरह की तैयारी बीजेपी की तरफ से, कोई कोर कसर ना रहे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर और अब उनका पूरा शेड्यूल आ गया है। तो आज मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर तैयारी किस तरह से देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के शेड्यूल को लेकर क्या पूरी तरह से अब उत्तराखंड तैयार है उनकी मेजबानी के लिए? जी, निश्चित तौर पे अब जब पीएम के दौरे को लेकर फाइनल शेड्यूल यहाँ पर आ गया तो पूरा प्रशासनिक तंत्र हो, उत्तराखंड सरकार हो, पूरी तरीके से एक्टिव है। सीएम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम अभी पर यहाँ पर पहुँचा उसके मुताबिक आदि कैलाश, जागेश्वर धाम और गुंजी में भी उनको एक कार्यक्रम करना है। गुंजी जो कि इंडो नेपाल और चाइना बॉर्डर के सबसे करीब का इलाका है, काफी संवेदनशील ये इलाका है, करीबन 10,000 फीट की हाइट पर ये पे यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है और वहाँ पर वो स्थानीय लोगों के साथ, जो सेना है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, इनके जवानों से भी मुलाकात करेंगे। तो उन्हीं तैयारियों को जायजा लेने के लिए आज जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो भी गुंजी पर पहुँच रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री के जो प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम को लेकर किसी तरीके की कोर कोताही न हो, किसी तरीके के उनके स्वागत में कोई कोताही न हो, ये आश्वस्त उत्तराखंड सरकार करना चाह रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल भी पिथौरागढ़ पे थे, आज फिर पिथौरागढ़ होते हुए गुंजी जाने का उनका कार्यक्रम है। एक तरीके से ये कह सकते हैं पूरी उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है और पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जी बिल्कुल विजय, चूंकि अगर प्रधानमंत्री के आने की बात होती है, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे और वहां पर जिस तरह से उन्होंने चारधाम यात्रा को उनके आने के बाद काफी ज्यादा बढ़ावा मिला, आप प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं, बहुत अलग अलग जगहों पर जाएंगे, बहुत सारी सौगातें भी उत्तराखंड को देंगे, तो प्रधानमंत्री के इन दौरों से उत्तराखंड के लोगों को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं? जी, निश्चित तौर पर पीएम के दौरे को लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी वो इकलौते पीएम होंगे जो पिथौरागढ़ का लगातार 2 बार दौरा कर रहे हैं। सत्र में भी उन्होंने एक बार पिथौरागढ़ में यहाँ पर जनसभा संबोधित की थी, तब भी वो आए थे, एक बार फिर वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो खासकर अगर हम कहें जो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से, चाहे जागेश्वर हो, आदि कैलाश हो, इनको एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने की तो उम्मीद लोगों को लगी रही है क्योंकि ये लंबे समय से ये बात आ रही थी जब से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद थी कि किसी तरीके से उसके विकल्प के रूप में
आदि कैलाश को यहाँ पर खड़ा करने की उत्तराखंड सरकार हुई केंद्र की सरकार वो कवायद कर रही थी, तो निश्चित तौर पर उस ओर बढ़ता हुआ ये एक कदम है। उसके अलावा अगर हम करें जो स्थानीय स्तर पे जो लंबे समय से लोगों की डिमांड रही है, चाहे टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का हो या नैनीसैनी एयरपोर्ट से नियमित हवाई सेवा की जो बात हो, उसको लेकर भी लोगों को उम्मीद है कि शायद पीएम के दौरे के बाद ये जो लंबे समय से दशकों से जो यहाँ के लोगों की डिमांड चली आ रही है उन डिमांड का बहुत सारी ऐसे डिमांड है और खासतौर से प्रधानमंत्री से उम्मीदें हैं। कई योजनाओं का भी यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि आने वाला दिन उत्तराखंड का होने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। विजय, बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम भी पूजा अर्चना करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर पुलिस के लिए भी काफी चुनौतियां हैं। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस हर चुनौती से निपटने को तैयार है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में फोर्सेस भी पूरी तरह से अलर्ट कर दी गई है, तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके साथ ही डीजीपी अशोक कुमार भी खुद मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, प्रधानमंत्री का दौरा है, दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसलिए पुलिस वाले पूरे फोर्सेस तमाम तरह से जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो अलर्ट मोड पर है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, क्योंकि जागेश्वर धाम भी प्रधानमंत्री जाएंगे तो इस दौरान आदि कैलाश पर्वत, जागेश्वर धाम, इन सब जगहों पर सुरक्षा टाइट कर दी गई है। अशोक कुमार खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद उस जगह पर मौजूद रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था बेहद अचूक रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सिखों के पवित्र और प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब की। तो आज इसके कपाट बंद होने जा रहे हैं। कपाट बंद होने से ठीक पहले हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बर्फबारी हुई है। अब जबकि आज कपाट बंद हो रहे हैं, ठीक उससे पहले कड़ाके की ठंड हो रही है इस वक्त हेमकुंड साहिब में। हालांकि कपाट बंद होने से पहले कुदरत ने पवित्र गुरुद्वारे का श्रृंगार किया है। तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 पर आप देख पा रहे हैं। इस पवित्र गुफा में दर्शन के लिए, मत्था टेकने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और आज कपाट बंद होने का समय 1 बजे निर्धारित किया गया है। उससे पहले तमाम तरह की जो कार्यक्रम है उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन कल वहां पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसके बावजूद आज कपाट बंद होने, तो आज भी श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा रहेगा। और चारधाम यात्रा इस समय पूरे शबाब पर है, यानी जोर पकड़ रहा है और इस बार श्रद्धालुओं का कुल आंकड़ा 48 लाख के करीब पहुंच चुका है। केदारनाथ में अभी तक 15,89,791 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए, जबकि बद्रीनाथ धाम में 15,106 यात्री पहुंचे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी रिकॉर्ड यात्री पहुंचे और अब तक दोनों धामों में 15,10,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। सबसे ज्यादा गंगोत्री धाम में 8,29,000 यात्रियों ने दर्शन किए तो यमुनोत्री धाम में 6,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन पूजन किए हैं। और इस वक्त हम आपको बता दें कि मौसम भी बहुत सुहावना है, इसलिए लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी भी कुछ दिन और बचे हैं यात्रा में, सभी दर्शन कर लेना चाहते हैं भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ के। इसी पर बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई हैं। भारती, हमने देखा कि लगातार बीते कुछ सालों में कोविड को छोड़ दे उसके बाद से यात्रियों की संख्या केदारनाथ में, बद्रीनाथ में और चार धाम में लगातार बढ़ती चली जा रही है और इस बार तो रिकॉर्ड ही कायम हो गया। 48 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए हैं और अब तो मौसम भी बहुत सुहाना है, इसलिए लोग चाहते हैं जब तक बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट बंद हो उससे पहले वो दर्शन कर ले। तो किस तरह से वहां पर दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और कितने लोग क्या चाह रहे हैं कि एकदम जल्दी से जल्दी वो दर्शन पूजन कर ले? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप नीलू, और आंकड़ा आपने अभी बता ही दिया कि कितने लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। यही एक टाइम होता है, देखिए अक्टूबर और नवंबर जब तक कपाट बंद नहीं होते हैं उसी टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। इससे पहले देखिए बरसात का मौसम था और इस बार तो अच्छी खासी बरसात हुई है, अतिवृष्टि इस बार हुई है, तो उस टाइम ब्रेक लग गया था एकदम से चारधाम यात्रा पे, और हमेशा ये देखने को भी मिलता है। लेकिन अक्टूबर का जो महीना होता है और इस टाइम पीरियड में जब ये 15 अक्टूबर तक की बात होगी, 15 से 20 अक्टूबर तक की बात होगी, उसी समय चारधाम
धाम जो के दर्शन के लिए श्रद्धालु सबसे ज्यादा आते हैं। अब देखिए हेली सर्विसेज भी शुरू हो गई है, हालांकि 12 बजे के बाद मौसम वहां खराब हो जाता है, थोड़ा ब्रेक लग जाता है, लेकिन अगर मौसम भी साथ दे तो और ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंच सकते हैं। सुविधाएं देखिए इस बार ये कहा जा सकता है कि जो पुरानी गलतियां उनसे सरकार सीख ले रही है, काम वहां पर चल रहे हैं, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतें पेश ना आए, ये सब व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है। ये एक बड़ी वजह रहती है जिस वजह से श्रद्धालु वहां पर ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारतीय जानकारी देने के लिए। तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मौसम भी अच्छा हो रखा है और अब कपाट बंद होने की तारीख भी नजदीक आती जा रही है, इसलिए लोग भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चार धाम की यात्रा कर ली जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं अगले साल जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी तो बद्रीनाथ में कुछ नए काम भी दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान कार्य के तहत चलाया जा रहा है। देश और दुनिया से आने वाले तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ धाम में कोई असुविधा न हो, इसके लिए बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में इस समय में लूप रोड, बीआरओ बाईपास सड़क, अराइवल प्लाजा, आधुनिक तकनीक से युक्त अस्पताल, बद्री झील, अलकनंदा नदी तट और शेष नेत्र झील का सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। इन सभी कामों से आने वाले समय में बद्रीपुरी पूरी तरह से बदली बदली सी नजर आएगी। जिस तरह से देखा जाए तो बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान का कार्य अभी तक चल रहा है और जो जिस तरह के विकास की गति एक बनी हुई है, तो उसमें शेष नेत्र झीलों का विस्तार हो या अराइवल प्लाजा वाला कार्य हो या हॉस्पिटल से संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे कार्य ये चल रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों में लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पीएमओ से लेकर राज्य सरकार की इन कार्यों पर नजर बनी हुई है। स्वयं उत्तराखंड के मुख्य सचिव अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि काम में तेजी लाई जाए जिससे शीतकालीन तक धाम में सभी कार्य पूरे हो सके। देखिए, निरंतर जो हमारा बद्रीनाथ मास्टर प्लान है उसका कार्य बहुत तेजी से बद्रीनाथ धाम में चल रहा है। तो इसमें आदरणीय मुख्य सचिव सर के भी निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं कि जो लेक फ्रंट का काम है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए, जो ISBT रिफर्बिशमेंट का काम है उसको अगले 10 दिन के भीतर पूरा किया जाए और रिवर फ्रंट के कामों में और तेजी लाई जाए। इस बार कपाट बंद होने के बाद अगर मौसम ने साथ दिया तो दिसंबर महीने तक बद्रीनाथ धाम में लगभग सभी कार्य पूरे होने की उम्मीद है, जिसको लेकर लगातार निर्माण कार्य भी बद्रीनाथ धाम में युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। चमोली से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। नैनीताल के जौलीकोट में मदरसे में बच्चों के साथ हुए अनैतिक व्यवहार का सीएम धामी ने संज्ञान लिया और कड़े एक्शन के आदेश दिए। साथ ही अवैध रूप से चल रहे मदरसों के वेरिफिकेशन की भी बात कही है। तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद नैनीताल के जौलीकोट में मदरसे में बच्चों के साथ हुए अनैतिक व्यवहार का सीएम धामी ने संज्ञान लिया है और कड़े एक्शन के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध रूप से चल रहे मदरसों के वेरिफिकेशन की भी बात कही है। पिछले दिनों जो वीर भट्टी नैनीताल के अंदर मदरसे में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, जिस प्रकार से उसमें जो बच्चे थे उन बच्चों के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए हैं, निश्चित रूप से वो बहुत ही मैं कहूं कि जिसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है या जिसको सही नहीं कहा जा सकता है। जिस प्रकार से बच्चों के साथ वहां पर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस प्रकार की उनको एक अच्छी शिक्षा वहां दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, इसलिए हमने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनकी ठीक प्रकार से उनका वेरिफिकेशन होगा, उसकी ठीक से जांच होगी। कहीं भी अगर कोई जो यहां वीर भट्टी नैनीताल के मदरसे में जिस प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं वो अनियमितताएं पाई जाएंगी तो उस पर कार्रवाई होगी। और देहरादून में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विश्व कप क्रिकेट में सट्टा लगा रहे थे, पुलिस ने आरोपियों के 3 बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं, साथ ही 1,85,000 की रकम को फ्रीज भी कर दिया है। तो इस तरह के अलग अलग जगहों पर घटनाएं हो रही हैं जहां पर सट्टेबाज विश्व कप को लेकर सट्टा लगा रहे हैं। और ये मामला आया देहरादून में जहां पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विश्व कप क्रिकेट में सट्टा लगा रहे थे, पुलिस ने आरोपियों के 3 बैंक अकाउंट सीज किए हैं, साथ ही 1,85,000 की रकम को भी फ्रीज कर दिया है।
कोटद्वार में लैंड स्लाइड के बेडहाट गांव में बाघ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है और ग्रामीण घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल में ही बाघ ने एक महिला को अपना निवाला बना डाला, इसके बाद से लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से बाघ को आदमखोर घोषित करके मारने की अब मांग की है। हमें या तो कहीं जगह दो, हम सारे गाय बच्ची गांव वाले सब आने को तैयार है, छोड़ देंगे हम इस गांव को, पर कोई हमारे सुने ना तब। और रोजगार नहीं है, बकरी है तो बाघ ले जा रही है, हमें तो हमें भी बाघ खा दे रही है, गाय है तो बाघ खा दे रही है, क्या कमाना है क्या खाना है हमने। सरकार हमें रोजगार दे दे, कहीं ले जाए कहीं दूर बसा दे हमें यहाँ छोड़ के। नैनीताल से खबर है जहां पर राज्य में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। कोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और दो हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार से पूछा कि क्यों आखिरकार अब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। कोर्ट अब 1 नवम्बर को इस मामले में सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि जसपुर के अनीस की याचिका दाखिल कर राज्य के निकायों में चुनाव कराने की मांग की है। जो है जबकि मात्र 1.5 महीना बचा हुआ है, कोई चुनाव प्रक्रिया ना तो स्टार्ट हुई है, ना ही कोई वोटर लिस्ट का रिवाइज की गई है, ना उसमें तैयारी कोई है सरकार की ओर से, तो हमने उसी के लिए जनहित याचिका दायर की है। और इस बारे में जो है हमारा ये कहना है कि संविधान के आर्टिकल 243U के अनुसार जो है इलेक्शन नोटिफाई किया जाए। हरिद्वार के प्राइवेट अस्पताल में हुई मरीज की मौत के बाद परिजनों ने खूब हंगामा काटा। परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है, जब हरिद्वार के सिटकुल के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज श्याम लाल के इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। मामले में पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। और राज्य में कुत्तों के आतंक पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। 6 महीने में आवारा कुत्तों की सड़कों से नहीं हटाए जाने पर कोर्ट का रुख अब सख्त हो गया है। नगर पालिका नैनीताल द्वारा खूंखार कुत्तों को छोड़ने पर एनजीओ ह्यूमन संस्थान को अवमानना का नोटिस दिया गया है और 1 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। इस संस्था ने माना कि उन्होंने 40 कुत्तों को छोड़ा है। हाईकोर्ट ने राज्य में सड़कों पर घूम रहे खतरनाक कुत्तों को सड़क से हटाने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया कि हर साल नैनीताल शहर में 1000 से ज्यादा कुत्ते काट रहे हैं लोगों को, जिससे शहर के लोगों पर खतरा बना हुआ है। उन्होंने अपने जवाब में भी एडमिट किया था कि हमने करीब 40 के लगभग कुत्ते जो है छोड़े हैं। इस पर माननीय न्यायालय ने आज इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाया है और ये कहा है कि आपने प्रिमा फैसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है और 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि ये बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई अमल में लाई। उन्होंने अपने जवाब में भी एडमिट किया था कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में 150 साल पहले से रामलीला का इतिहास जुड़ा है। कई महीनों तक कलाकार रामलीला मंचन का अभ्यास करते हैं। कलाकार मंचन के साथ ही गायन भी खुद ही किया करते हैं। अल्मोड़ा में रामलीला की तैयारी शुरू हो गई है। मंचन करने वाले कलाकार 3 महीने तक रामलीला के मंचन की प्रैक्टिस करते हैं। रामलीला भैरवी, श्याम कल्याण, जय जयवंती ठुमरी समेत कई रागों में गाई जाती है। शहर में 12 से ज्यादा जगहों पर अब रामलीला का मंचन किया जाता है, लेकिन नन्ना देवी की रामलीला सबसे पुरानी रामलीला है। कलाकार खुद ही गायन के साथ ही मंचन करते हैं। मुख्य रूप से अभी जो है केवल दर्शक का पार्ट खेलता हूँ। इसकी तैयारी हमारी पहले दिन से हो जाती है। मैं कम से कम 3 महीने निरंतर हम लोग इसका अभ्यास करते हैं, उसके बाद मंच में जाने का साहस करते हैं।
सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपने साथ कई इतिहास समेटे हुए है। रामलीलाओं का मंचन हो या फिर दशहरे में रावण परिवार के पुतले, सब यही देखने को मिलते हैं। हमारी रामलीला नंदा देवी की सबसे पुरानी है। उससे पहले बद्री शर्मा होती थी छिलके से, छिलका जला के, गैस जला के, कोई साधन नहीं थे। उसके बाद तुनरा में हुई, उसके बाद अब यहाँ होती है नंदा देवी में 1800। तो इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। चकराता तहसील में इंटरनेट सेवा में दिक्कत के चलते काम धीमी गति से हो रहे, जैसे दूर दराज से आने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। कोटद्वार के कौड़िया चेकपोस्ट के पास स्कूटी सवार महिला ट्रक के नीचे आ गई, महिला के दोनों पैर बुरी तरह से कुचल गए। उत्तरकाशी में स्वर्णकार संघ के बाहरी राज्य के स्वर्णकार व्यापारी संदेह व्यक्त करते हुए विरोध जताया, साथ ही ऐसे व्यापारियों के वेरिफिकेशन की डिमांड भी की है। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने जिला विकास समन्वय समिति की बैठक ली और जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उत्तरकाशी में जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, कुल 33 शिकायतें दर्ज की गई, अधिकतर का तुरंत निपटारा किया गया। स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार ने अल्मोड़ा जिला अस्पताल के पास मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, साथ ही बागेश्वर जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। बागेश्वर के मंडल सेरा क्षेत्र का विधायक पार्वती दास के निरीक्षण किया है, यहां के लोगों को कुंती गदेरे में मामूली सी बारिश में भी परेशानी हुई है। बद्रीनाथ में लगातार तीर्थयात्रियों का जमावड़ा लग रहा है, इस समय हर दिन 15,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। 12 अक्टूबर से रुड़की के बीटीगंज में भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। 104 साल पुरानी रामलीला के मंचन में इस बार मुंबई और दिल्ली से भी कलाकार आएंगे। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के माउंटेनियरिंग कोर्स के दीक्षांत समारोह में रेखा आर्या भी पहुंची और बेस्ट टीम को पुरस्कार दिया गया।